Hi guys, today we are going to continue with the third lecture of light's reflection and refraction. आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स। तो इतने देर से तो हम लोग प्लेन मिरर के बारे में देखे थे, लेकिन अगर मैं कहूँ मैं इस प्लेन मिरर को ऐसे फोल्ड कर दे रही हूँ तब तो ये कर्व्ड मिरर बन जाएगा। और कर्व्ड मिरर कहने से मैक्सिमम टाइम्स तो हम लोग ऐसा ही सुनते हैं स्फेरिकल मिरर्स। तो इसका मतलब क्या है? स्फेरिकल मिरर एक बहुत कॉमनली यूज्ड कर्व्ड मिरर है और यहाँ पर वही लिखा है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कर्व्ड मिरर है मेरा स्फेरिकल मिरर। फिर ये तो एक कॉमन सेंस वाली एक और बात है, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल। ऑब्वियसली स्फेरिकल मिरर तो नाम इसलिए है बिकॉज इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल है, सिंपल। तो अभी आता है स्फेरिकल मिरर्स का टाइप्स। अगर मैं ये स्पून ले लूं, इस स्पून को मैंने कहा कि मैंने अंदर वाले पार्ट से मैं अपना चेहरा देख रही हूँ रिफ्लेक्शन, लेकिन पीछे वाले पार्ट को मैंने कलर कर दिया, तब इसका मतलब है क्या? रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो तो कर्व्ड इनवर्ड्स है, और जब वो कर्व्ड इनवर्ड्स होगा मैं उसे कहूंगी कनकेव मिरर। और जब मैं कहूंगी कि मैंने अंदर वाले पार्ट को तो मैंने कलर कर दिया लेकिन बाहर वाला पार्ट से मेरा रिफ्लेक्शन दिख रहा है, मतलब क्या? कर्व्ड आउटवर्ड्स है इस तरह से, तो वो हो जाएगा मेरा कन्वेक्स मिरर। मतलब सरफेस ऑफ अ स्पून कर्व्ड इनवर्ड्स इज माय कनकेव मिरर एंड द सरफेस ऑफ द स्पून कर्व्ड आउटवर्ड्स इज माय कन्वेक्स मिरर। अभी मैं एक मिरर बनाती हूँ, स्फेरिकल मिरर। और इस स्फेरिकल मिरर का एकदम जो बीच का पार्ट है, एकदम बीच का, उसे मैं कहूंगी पोल, POLE, पोल। और उस सरफेस में अगर मैं कहूँ ये स्फेरिकल मिरर एक्चुअली एक स्पीयर का पार्ट है, तो कुछ ऐसा सर्कल होगा, सर्कल नहीं, हाँ स्पीयर, सर्कल होने से 2D हो जाएगा, तो स्पीयर 3D। उस स्पीयर में जो एकदम बीच का पार्ट होगा, एकदम बीच का, वो होगा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर मैं कहूँ कि ये जो स्पीयर है इसका तो कुछ रेडियस तो जरूर होगा, वो रेडियस इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो वो जो रेडियस होगा उसे मैं कहूंगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जाके मैं कहूँ कि मेरा एक लाइन है, हकीकत में नहीं है, इमेजिनरी है, वो इमेजिनरी लाइन कुछ यहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस किया, पोल को भी क्रॉस किया, तब मैं उसे कहूंगी प्रिंसिपल एक्सिस। अभी जाके हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉमनली यूज टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। पहले आता है पोल, और पोल क्या है? मेरा जो स्फेरिकल मिरर है उसके एकदम बीच का पार्ट, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर एंड लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। इसका मतलब क्या है? मेरा ये जो स्फेरिकल मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर में पोल इधर एकदम बीच में लाई कर रहा है, स्फेरिकल मिरर में ही, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस में ही लाई कर रहा है, उसके बाहर इधर 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 कहीं और तो लाई नहीं कर रहा, तो लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर एंड रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी। पोल पी से शुरू हो रहा है तो पी से रिप्रेजेंट हो रहा है। फिर आएगा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द स्पीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। ऑब्वियसली ये है मिर्जा 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 मिर्जा, ये रहा मेरा स्फेरिकल मिरर, ये रहा मेरा स्पीयर, और ये रहा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये है द सेंटर ऑफ द स्पीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। स्पीयर का सेंटर है और मेरा जो स्फेरिकल मिरर है वो भी इसका एक पार्ट है। और दूसरा जो आता है रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर शुरू भी हो रहा है सी से, तो रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी, नॉट अ पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये देखो स्फेरिकल मिरर तो ये वाला पार्ट है, लेकिन मेरे स्फेरिकल मिरर में क्या मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई कर रहा है? यहाँ पर तो पोल लाई कर रहा है, पुई,
लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर लाकर है, मतलब वो मेरा स्पेरिकल मिरर का पार्ट नहीं है। वो स्पेरिकल मिरर एक स्पीयर का पार्ट है और स्पीयर का पार्ट है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो डायरेक्टली स्पेरिकल मिरर का पार्ट नहीं है। नॉट अ पार्ट ऑफ द स्पेरिकल मिरर लाइज आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड लाइज इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर एंड लाइज बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेके देखते हैं कनकेव मिरर को और एक कन्वेक्स मिरर को। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। अभी ये रहा मेरा स्पीयर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है और मेरा रिफ्लेक्शन किधर दिखेगा, इस तरफ दिखने वाला है क्योंकि पीछे वाला पार्ट तो कलर होता है मेरे कनकेव मिरर में, मतलब सामने है, इन फ्रंट। और कन्वेक्स मिरर के केस में इधर के साइड में मुझे मेरा रिफ्लेक्शन दिखने वाला है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर तो कुछ इधर लाई करने वाला है, तो फिर वो बिहाइंड द मिरर है, फ्रंट ऑफ द मिरर नहीं है। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज इन फ्रंट ऑफ द कनकेव, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर एंड लाइज बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर के केस में सामने, कन्वेक्स मिरर के केस में बिहाइंड। फिर आता है मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैंने क्या कहा था, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो स्पीयर का रेडियस है, स्पीयर का रेडियस है और ये स्पेरिकल मिरर उस स्पीयर का पार्ट है। वही लिखा है यहां पर भी, द रेडियस ऑफ द स्पीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्पेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी, सी नहीं आर, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर शुरू भी हो रहा है आर से। अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी इज इक्वल्स टू आर, मतलब क्या है, मैंने तो कहा था, एक सुंदर सा बनाते हैं फिर से, स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर, स्पीयर, और बीच का है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच वाला है मेरा पोल पी। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का एक डिस्टेंस है और वही डिस्टेंस तो मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर होने वाला है, क्योंकि वो तो स्पीयर का भी रेडियस है। उसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहां पर भी वही दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी इज इक्वल्स टू आर, पोल एंड कर्वेचर, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर आता है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है जो मेरे पी और सी से पास करने वाला है। वही ये रहा मेरा इमेजिनरी लाइन जो जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर भी को भी क्रॉस करेगा, फिर पोल को भी क्रॉस करने वाला है, इमेजिनरी लाइन, वो होता है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन इसमें एक और पॉइंट दिया है, वो नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल होता है। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब यही है कि अगर मैं मान लूं ये है मेरा पोल और पोल के बीच में ये एक लाइन मान लिया, इस लाइन से जो 90 डिग्री में एंगल है उसी एंगल में ही तो मेरा लाई कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस कहां जाके 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, मतलब एंगल बनाएगा पोल से, नॉर्मल टू द मिरर, नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स कहां पर पोल, और नॉर्मल तो मैंने बोला था 90 डिग्री में जो रहेगा ऐसे, तो नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। अभी आता है प्रिंसिपल फोकस एंड फिर फोकल लेंथ एंड एपर्चर। ओके हाँ, आज के लिए इतना ही, एक बार लास्ट रिवाइज कर लेते हैं इसको। ये रहा मेरा स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर के बीच वाला पार्ट है मेरा पोल पी। फिर अगर वो एक स्पीयर का पार्ट होता मेरा स्पेरिकल मिरर, तब जाके ये हो जाता मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिकॉज ये तो स्पीयर का बीच का पार्ट है, और मेरा स्पीयर का बीच के पार्ट से जो मेरा पोल तक जाता है वो होगा मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर आर।
फिर आता है एक इमेजिनरी लाइन जो पास करेगा मेरे सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी, मेरे पोल को भी, फिर चला जाएगा। तो वो हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब स्फेरिकल मिरर का बीच का पोल, स्पीयर का बीच का सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर एक इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी क्रॉस करेगा, पोल को भी क्रॉस करेगा, वो होगा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। ओके थैंक यू, बाय बाय।